हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको करा रहे हैं मैट्रिक एग्ज़ाम 2020 का। आज जो आपका संस्कृत का पेपर हुआ है फर्स्ट पाली और सेकंड पाली, जिसमें आपका जो है 10-10 जो आपका जो है अनुवाद पूछा गया था, जिसमें आपका 6 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर देना था फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड पाली दोनों में ही आपका जो है अनुवाद पूछा गया था। तो आपका जो है सबसे पहले जो हम है फर्स्ट पाली में जो आपका अनुवाद पूछा गया था आपका हिंदी में जो लिख दिया हुआ था आपका संस्कृत में आंसर देना था, तो उन सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे जो है हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा और अपना आंसर को आप लोग मिला लीजिएगा, आप जो कैसे बना करके आए हैं, आपका कितना सही हुआ है या गलत हुआ है। तो चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो फ्रेंड्स फर्स्ट पाली में जो आपका अनुवाद पूछा गया है उन सभी प्रश्न को जो है यहाँ पे जो है पहले हल करते हैं, उसके बाद जो है इसी वीडियो में आपका जो है सेकंड शिफ्ट में जो आपका भी पूछा गया था उसका भी सोल्यूशन जो इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पाली और सेकंड पाली का दोनों छात्र जो है इसी वीडियो को देख लीजिएगा और अपना आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये सबसे फ्रेंड्स ये जो है आपका प्रथम पाली का जो है हम डिस्कस कर रहे हैं संस्कृत का, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन कम में आपका पूछा गया था कि तुम घर जाओ, इसका जो आपका जो है संस्कृत में अनुवाद करना था, तुम घर जाओ इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे बनेगा। तो त्वम गृहम गच्छ इसका जो आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, त्वम गृहम गच्छ, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था प्रजा राजा को नमस्कार करती है, प्रजा जो है राजा को नमस्कार करती है, इसका जो है संस्कृत में अनुवाद बनाना था। तो आप लोग कैसे बनाए हैं आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजा राज्ञाय नमस्कारम करोति, ठीक है। ये आपका जो है संस्कृत में आपका राइट आंसर है अनुवाद। ग में आपका पूछा गया था गुरु शिष्य को साथ घूमता है, गुरु जो है शिष्य के साथ घूमता है, तो इसका आपका संस्कृत में अनुवाद कैसे बनेगा। तो ऐसे बनेगा गुरु शिष्येण सह भ्रमति, ठीक है, गुरु शिष्येण सह भ्रमति, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो को साथ में लाइक करते चलिएगा और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। घ यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मुझे पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए, इसका संस्कृत आपको बनाना था। तो इसका संस्कृत में अनुवाद ऐसे बनेगा मया पुस्तकम पठितव्यम, मया पुस्तकम पठितव्यम, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग मिला लीजिए कैसे बनाए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था राजा सेनापति के साथ यहाँ आया, राजा सेनापति के साथ यहाँ आया, तो इसका संस्कृत में अनुवाद ऐसे बनेगा राजा सेनापत्यः स आगच्छत, ठीक है, राजा सेनापत्यः स आगच्छत, ठीक है फ्रेंड्स। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका चक है विवाद मत करो, विवाद मत करो, तो इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे बनेगा, तो विवाद न करो, विवाद न करो, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर है 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है, इसमें पूछा गया है बालक को फल अच्छा लगता है, बालक को फल अच्छा लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत में अनुवाद इसका हो जाएगा बालकाय फलम रोचते, बालकाय फलम रोचते, ठीक है। जन नंबर का क्वेश्चन आपका है वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सह पठितुम विद्यालम गच्छति, सह पठितुम विद्यालम गच्छति, ठीक है। तो जो है इसका राइट आंसर है। जन नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है राजा राज्य को चोर से बचाता है, राजा राज्य को जो है चोर से बचाता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा राजा राजाय त्रायते, राजा रजाय त्रायते, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो था आपका जो फर्स्ट पाली का जो था क्वेश्चन था, अब जो है सेकंड पाली का क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड पाली का स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। सेकंड पाली में आपका पूछा हुआ था, इसमें भी जो आपका है 10 ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जो आपका था 6 का जो है सही सही आंसर देना था, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था राम एक लड़का है, ठीक है, तो राम एक लड़का है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा राम एक बालक अस्ति, ठीक है, राम एक बालक अस्ति, ठीक है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था ख में था वह दसम वर्ग में पढ़ता है, वह दसम वर्ग में पढ़ता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सह दसम वर्गे पठती, सह दसम वर्गे पठती, ठीक है, ये आपका संस्कृत में अनुवाद होगा। गण नंबर का क्वेश्चन था
उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ, उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा तेन सह अहम अपि पठामि, तेन सह अहम अपि पठामि। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, घर में पूछा गया था, तुम गांव में रहते हो, तुम गांव में रहते हो, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा त्वम ग्रामे निवससि, त्वम ग्रामे निवससि, जिसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को साथ में लाइक करते चलिएगा, और जो स्टूडेंट नए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हारा मित्र पैर से लंग रहा है, तुम्हारा मित्र जो है पैर से लंग रहा है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा त्वम मित्र पदेन रकंज अस्ति, त्वम मित्र पदेन रकंज अस्ति। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है, जिसमें आपका पूछा हुआ है, परंतु वह पढ़ने में बहुत मेधावी है, परंतु वह पढ़ने में बहुत मेधावी है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद ऐसे बनेगा, परंतु परंतु सह पठेन अति मेधावी अस्ति। ठीक है, परंतु सह पठेन अति मेधावी अस्ति। ठीक है फ्रेंड्स, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का, जिसमें पूछा है, वह घर से विद्यालय जाता है, वह घर से विद्यालय जाता है, तो उसका संस्कृत में अनुवाद होगा सह गृहात विद्यालम आ गच्छति। ठीक है, सह गृहात विद्यालम आ गच्छति। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपका पूछा गया था, उसका घर विद्यालय से बहुत दूर नहीं है, उसका घर विद्यालय से बहुत दूर नहीं है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सस्य गृहम विद्यालयात दूरम न अस्ति। क्या हो जाएगा, सस्य गृहम विद्यालयात दूरम न अस्ति। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्या तुम उसको जानते हो, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था, तो संस्कृत में अनुवाद होगा किम त्वम तम जनासि, किम त्वम तम जनासि। ठीक है, ये जो इसका क्या है राइट आंसर है। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वे दोनों कल आए थे, वे दोनों जो है कल आए थे, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तौ सव आगमी यत। ठीक है, तौ सव आगमी यत। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो। फ्रेंड्स, ये जो आपका था संस्कृत का सेकेंड शिफ्ट में जो आपका जो पूछा गया था उसका क्वेश्चन था, तो आप लोग मिला लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स।